तो शिकार का पीछा करते करते तुम यहाँ भी आ पहुंचे। हमें हुकुम है, हम उसे साथ लेकर ही जाएंगे। वो इस आश्रम में पना लेगा ये हमने कभी सोचा भी नहीं था माँ। मगर इस घर ने तुम्हें भी एक दिन पनाह दी थी, ये तुम कैसे भूल गए? ये हम कब भूले माँ? अगर अगर हम भूले होते तो तुम्हें मनी ऑर्डर क्यों भेजते? हम तो ये चाहते हैं कि तुम्हें इतनी दौलत दें कि तुम इस यतीम खाने के बजाय एक आलीशान यतीम खाना खोल दो। क्यों भिड़ो है? अगर मुझे तुम्हारे बारे में पहले पता होता तो मैं तुम्हारे रुपयों को हाथ भी नहीं लगाती। खून, कत्ल, डाका जनी के रुपयों से जो मंदिर बनते हैं उनमें भगवान की नहीं शैतान की पूजा होती है। मगर मां सच्चाई यह है कि जिस दुनिया में आजकल हम जी रहे हैं वही सच्ची दुनिया है। तुम्हारी दुनिया ने हमें दिया ये क्या है? भूख, पकाकशी, जिल्लत। तुम्हारे ख्यालत पुराने हो चुके हैं मां। ये जमीन, ये समुद्र, ये आकाश, तुम इनके बगैर अगर जीना जानते हो तो भगवान की बनाई हुई इस दुनिया को मिटाकर शैतान की दुनिया आबाद कर लेना। तुम नहीं समझोगी माँ, इसलिए उस दिन फंक्शन के बाद हम तुम्हें मिलने नहीं आए। नहीं, तुम इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम बेनकाब हो चुके थे। तुम इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम्हारी असली सूरत मेरे सामने आ चुकी थी। मगर याद रखना, अपराध की जिस मशाल को तुम लिए घूम रहे हो एक दिन उसी की आग में तुम जलकर राख हो जाओगे। वो दिन कितना बदनसीब था जिस दिन मैंने तुम दोनों हैवानों को जिंदा रखने की गलती की। काश उस दिन मैंने तुम्हें भूख से बिलखने के लिए वही छोड़ दिया होता माँ, और तुम्हें वही कचरे के डिब्बे में सड़ने के लिए छोड़ दिया होता माँ। हमारे रास्ते से हट जा माँ, हमें अपना काम करने दो माँ, वो कहीं भाग ना जाए। चलो अर्जुन। रुक जाओ, तुम्हें मेरे खून की कसम। हमें खून की कसम देकर रोकने की कोशिश मत कर माँ, हमने बहुत खून बहते हुए देखा है, पेट के लिए बेटे को बाप का खून करते हुए देखा है, बाप के हाथों माँ का खून होते हुए देखा है, दौलत के हाथों गरीबों का खून होते हुए देखा है, और झूठ के हाथों सच का खून होते हुए देखा है। हमने इतना खून देखा है, इतना खून देखा है माँ, कि अब खून की कीमत पानी से भी सस्ती लगने लगी है। और फिर किस खून की कसम देकर तुम हमें रोक रही हो? आज के बाजार में खून की कोई कीमत नहीं रही माँ। जहां लोग खून बेचते हैं और रोटी खरीदते हैं, जो चीज बिक जाती है उसकी कसम नहीं दी जाती। तुम खून चाहते हो, तुम इसका खून चाहते हो। अच्छी बात है, ये मेरे खून की रेखा है, पहले इसे पार करो फिर इसका खून करो। चाहो तो इसे रोंद के निकल जाओ। आओ बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। रुक जाओ, उस पाप की दुनिया में मत जाओ। अरे गोली मारो इसी मां को, वो औरत हमारे रास्ते में आएगी ना तो गोली मार डालेगा। अकेला खामोश, दबा को लगाम दे, नहीं तो हम तेरी जान ले लेंगे। वो हमारी माँ है माँ, अगर तूने माँ के खिलाफ कुछ बोला ना तो तेरे गले की नली काटकर गटर की नली में फेंक देंगे, समझाते? अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, ये तो बेवकूफ आदमी है, मार खाने के बाद इसकी अकल इसकी नाक के रास्ते बह गई है। तुम्हारी माँ को कुछ बोल सकता है? कुछ नहीं बोलेगा, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, कुछ नहीं बोलेगा तुम्हारी माँ के बारे में। समझा देना इसे, समझा दे रहा हूँ, तुम आराम करो, जो 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 आराम करो। डैड, ये लोग हमारा खाते हैं, हमारा पीते, ऊपर से औरत के लंग को धमकी देते। अबे जा, धमकी देते। तू सारा किसी दिन बीच चौराहे मेरे को जूते खिला देगा। डैड, इस बर्फ में बदबू है, सिंक्स। ये बर्फ नहीं, गोबर है, जख्म के लिए अच्छा होता है। खून बहुत बह चुका है, मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं इसे बचा भी सकूंगा या। मैं जानती हूँ डॉक्टर साहब कि इलाज और दवाओं की एक सीमा होती है, जब दवाओं का असर खत्म हो जाता है तो दुआओं की सीमा शुरू होती है। आप अपना इलाज जारी रखिए, मैं अपनी प्रार्थना जारी रखती हूँ।
मां। शुक्र है प्रभु। सच कहता हूं तारा बहन, मैंने उसे बहुत जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका उसका कहीं पता नहीं चला बहन। अपन को कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी करो, किधर से भी ढूंढ के लेके आओ, उसके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता भैया। मत रो बहन। तुम पुलिस वाला है ना, मत रो, उसको ढूंढ नहीं सकता। ऐसे इज्जतदार लोगों के खिलाफ वारंट, क्या सबूत है तुम्हारे पास? इनकी बेटी का लिखित बयान। इनकी बेटी कहां? इनकी बेटी अपने छोटे से प्यारे से घर में मौजूद है, और ये उसके हाथ का लिखा हुआ बयान है। बेहतरी इसमें होगी आप इस अरेस्ट वारंट पर दस्तखत कर दीजिए। सिग्नेचर। मैं इस मामूली से कागज के टुकड़े पर बिना वजह साइन नहीं कर सकता, क्योंकि 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 आप उन लोगों के साथ मिले हुए हैं। शट अप। तो कौड़ी का इंस्पेक्टर मुझ पे इल्जाम लगाता है, मैं तुम्हें इसी वक्त डिसमिस करता हूं। तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो। मेरी वर्दी को हाथ मत लगाना, इसकी बेइज्जती करने का तुम्हें कोई हक नहीं। मैं ये वर्दी खुद तुम्हारे हवाले करता हूं, और उस वक्त वापस ले जाऊंगा जिस वक्त यह साबित कर दूंगा कि इसके हकदार तुम जैसे कानून के साथ गद्दारी करने वाले नहीं है, बल्कि मेरे जैसे कानून के रक्षक हैं। इंस्पेक्टर पी के ले ले, झाड़ू हाथ में ले ले, नीचे से नहीं सफाई ऊपर से शुरू कर दे। पंडित जी मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। माजी आपका एक एहसान तो था ही मुझ पर, अब मेरी जान बचाकर दूसरा एहसान किया है आपने। बताओ मां, इन एहसानों के बदले मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? एहसान? ममता की दुनिया में एहसान जैसा कोई लफ्ज नहीं है बेटा, ना ही एहसान का सौदा होता है। अगर मैं इन अनाथ बच्चों को अपने आश्रम में लाकर पालती हूं, इन्हें प्यार देती हूं, इन्हें सच्चाई पर चलने का रास्ता दिखाती हूं, तो इनके नेक बन जाने पर मुझे अपनी कीमत मिल जाती है। जैसे आज तुमने जो ये रास्ता अपनाया है, अब बेटी तुम्हारा मेरा हिसाब बराबर है। मगर अपने उन दो बेटों को मैं नहीं सुधार पाई, उन्होंने मेरी ममता को गुमराही के कदमों तले कुचल डाला है। माँ जी कौन है वो दो? वही दो जो तुझे जान से मार डालना चाहते हैं। क्या वो? हाँ, वो जो उनकी उस दलदल में फंसे हैं जहां से ना जाने कितनी माओं के लाल मुजरिम बनकर निकलते हैं, उन्हें वापस ले आ बेटा, नहीं तो इस माँ की ममता बदनाम हो जाएगी। नहीं माँ जी, मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा, और मैं तुम्हें बदनाम नहीं होने दूंगा। जिनसे मुझे इंतकाम लेना था, अब मैं उन्हें सुधार कर सही इंसान बनाकर तुम्हारे चरणों में ले आऊंगा, ये मेरा वादा है, एक बेटे का मां से वचन है। कहाँ जाना है? वहां जहां प्रेम करने वाले अपनी मंजिल पाते हैं। अरे नाम है कोई ऐसी जगह का? कोई भी मंजिल जहां कोई भी पंडित मंत्र पढ़कर सात फेरे लगाते हैं। आज हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है, राइट राइट राइट, राइट। ये क्या तुम फिर शराब पी रहे हो? या आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हुई है, और खुशी का मौका भी है। तो तुम ऐसे हर खुशी के मौके पर शराब पिया करोगे? एक मिनट, वो क्या है कि हम दोनों की खोपड़ी जरा पुराने ख्यालात की है, इसलिए नई जिंदगी शुरू करने का आइडिया हम दोनों को पसंद नहीं आया। क्योंकि शट अप, इसका मतलब तुम शराब नहीं छोड़ोगे? नहीं। जुर्म का रास्ता छोड़कर शरीफ इंसान भी नहीं बनना चाहते? नहीं। हमसे शादी भी नहीं करोगे? नहीं। अरे इन लड़कियों को सताया ना, तो ये टैक्सी भी अब उनके बाप का है क्या?
उठाकर बाहर फेंक देगा, समझा? अरे तुम क्या फेंकोगे, हम दोनों खुद ही उतर जाते हैं। क्यों अर्जुन, चल चल। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसका अंजाम मौत है। अगर कहीं शादी करते ही तुम्हें किसी ने मार डाला तो मुझे सारी जिंदगी विधवा बनकर जीना पड़ेगा। और तुम्हें पता है, अगर पुलिस ने तुम्हें जुर्म करते हुए गिरफ्तार कर लिया और उम्र कैद की सजा हो गई तो जानते हो सारी जिंदगी मुझे तुम्हारे इंतजार में बैठे रहना होगा। तो क्या हुआ, प्यार में तो कुर्बानी करनी ही पड़ती है, क्यों अर्जुन? हाँ यार किशन, हे, अगर तुम लोग हमारा इंतजार नहीं कर सकते तो कोई अच्छी जगह ढूंढ कर आत्महत्या कर लो, साला छुटकारा भी मिल जाएगा, क्यों किशन? हे, चले गए आत्महत्या करने। अरे आप क्या, ऐसी जगह ले चलो जहाँ आत्महत्या कर सके। हाँ। अरे कूद जाओ कूद जाओ, आज अगर तुम लोग इधर से कूद गया ना तो अपन भी साला तुम लोग के पीछे पीछे कूद जाएगा। क्यों, तुम्हें भी किसी ने धोखा दिया है क्या? अरे नहीं रे, अपन को धोखा दिया होता ना तो अपन उसको उधर ही थप्पड़ डालता। साला भाग गया, मर जाते ना, ऐसे ही होते हैं। औरत जात के बगैर रह नहीं सकते। करा, साली कहाँ मर गया था तू? नहीं, ये हमसे नहीं होगा। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, आत्महत्या करने से तो अच्छा है कि उन दोनों को नरक से निकालो और करण की मदद करो। मगर हम उन्हें शराब पीने से रोकना चाहते हैं। और तुम तो कह रहे हो कि हम उन्हें शराब पिलाएं? अरे एक दिन और पीलेंगे तो क्या मर जाएंगे? तुम दोनों समझे नहीं, अगर तुम उन्हें होश में यहाँ लेकर आई तो यहाँ खून खराबा हो सकता है और शायद हम तीनों की लाशें तुम्हें यहाँ मिले, और अगर शराब पिला के लाई तो हो सकता मैं उन्हें सही रास्ता दिखा सकूं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है।